2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में वर्ष 1990 की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक पंडित से लेकर आम जनता तक बिहार में अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव में बिहार में एक बार फिर से 1990 का नजारा दिखेगा। मंडल कमांडर पर लोगों को गोल बंद किया जाएगा और इस पर ही अपने वोटरों को एकजुट किया जाएगा। बता दें आपको कि वैसे तो इसकी चर्चा तो नीतीश कुमार के बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन तमाम राजनीतिक खींचतान के बाद बिहार में शुरू हुई जाति जनगणना और नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवाद बयान के बाद यह अब साफ हो गया है कि बिहार में इस दफा साल 2024 का लोकसभा चुनाव मंडल बजस का मंडल ही होगा। यही कारण है कि जहां आरजेडी वर्ष 1990 की तर्ज पर अभी से चुनाव का माहौल बनाना चाह रही है, वहीं बीजेपी इस दफा अपनी परंपरागत वोटरों को रोकने के लिए अपनी गोलबंदी करने लगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर जो कुछ बोला है वह गलती से या फिर अचानक दिया गया बयान नहीं है, बल्कि यह तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों द्वारा तैयार की गई स्क्रिप्ट का एक पार्ट है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि विपक्ष की ओर से साल 2024 को लेकर ऐसे कई स्क्रिप्ट संभवत तैयार किए गए हैं जो कि चुनाव करीब आने पर सामने आएंगे। बिहार में पहले जाति जनगणना, फिर रामचरितमानस पर विवाद और अब आर्मी पर हमला जैसा बयान देकर आरजेडी नेता बिहार में वर्ष 1990 का माहौल बनाना चाह रहे हैं ताकि चुनाव में जाति की अहमियत बढ़े। इधर बिहार में बीजेपी वर्ष 1919 से सबक लेते हुए हर हाल में अपने वोट बैंक को टूटने नहीं देना चाह रही है। यही कारण है कि वो रामचरितमानस मुद्दे पर बिहार में अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने में लग गई है। वो अपने वोटरों को एकजुट करने के लिए धर्म सभा और इसी मुद्दे पर बिहार के हर जिले में बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए गए विवादास्पद बयान पर केस कर अपने लोगों को एकजुट करने में लगी है। तो क्या साल 2024 के चुनाव में मंडल बजस का मंडल चुनाव होगा? बता दें आपको कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो रामचरितमानस पर बयान दिया था उसको लेकर भी बीजेपी हर जिले में उस पर केस करवा रही है, जो एक बिहार के राजनीतिक गलियारे में उठ चुका है। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस वाला बयान की रामचरितमानस नफरत फैलाती है इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें NBC 24।